मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़े हुए हैं और आम जनता जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले अपने सहयोगी का मैं रुख करूंगी। पुष्कर, दशौली ब्लॉक का सिरोगा जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई है, क्या वजह है इसके पीछे? 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने, उसके बावजूद ये हालात है। पुष्कर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल काजल, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। पुष्कर, क्या वजह है, क्यों सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान जब जनसभाएं हो रही थी, जनसंपर्क हो रहा था, हर कोई बढ़ चढ़ के ये कह रहा था कि हमने तो विकास किया है इन 5 सालों में। बिल्कुल देखिए काजल, आपने सही पूछा कि विकास तो बहुत हुआ है लेकिन कागजों में भी हुआ है। हालांकि जिस गांव में मैं इस समय मौजूद हूँ, ये जो जनपद चमोली का जो मुख्यालय से लेकर 10 किलोमीटर के गांव की दूरी है, यहाँ के ग्रामीणों में यहाँ पर हमको कल हम यहाँ चलिए हम दोबारा से एक बार फिर अपने सहयोगी से संपर्क साधेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, चमोली का दशौली ब्लॉक का सिरो गांव जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, मुख्य मार्ग से जो गांव की सड़कें हैं वो नहीं जुड़ पा रही हैं, जिसकी वजह से कई परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं। और मेरे सहयोगी पुष्कर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पुष्कर का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। पुष्कर, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वजह है, क्योंकि हम जनसभाओं में देखते हैं जब 14 फरवरी को मतदान हुआ उत्तराखंड में, उससे पहले इतनी राजनीतिक दल यहाँ पहुंचे, बड़े बड़े चेहरे पहुंचे और कहा कि हमने तो 5 सालों तक विकास किया है। कांग्रेस कहती है कि 10 साल हमने खूब विकास किया था, तो अगर विकास किया है तो यहाँ तक सड़क क्यों नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल काजल, विकास की बात आप कर रही हैं, विकास केवल कागजों में हुआ है क्योंकि मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। यहाँ के ग्रामीण जो हैं, आपने जिस तरह से देखा कि 70% लोग जो हैं यहाँ पे आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस समय रिटायर जो है सिरो गांव में उपलब्ध हैं। इनसे हमने कल बात करी और आज भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि नेता चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, 21 साल हमको उत्तराखंड बने हुए होंगे लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पाती है, सड़क सबसे बड़ी समस्या काजल यहाँ पे जो है सड़क की है। क्योंकि इनको जो है यदि गोपेश्वर जाना होता है तो इनको जो है पहले तो 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है जंगल के रास्ते। उसके बाद जो है जिस तरह से जो लोग यदि कोई लोग यहाँ पे बीमार हो जाते हैं तो इनको डंडी कंडी के सारे जो है इनको यहाँ पे कोठियाल से जो शॉर्टकट रास्ता हम इसको कह सकते हैं गढ़वाले में, कि शॉर्टकट रास्ता ये अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है यहाँ से पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारें कोई भी आई हो, चाहे भाजपा की आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, लगातार जो घोषणाएं आपने देखा होगा पिछले दिनों की, मैं वर्तमान विधायक की अगर बात करूं काजोल, इस समय जो है वर्तमान विधायक जो भाजपा के थे यहाँ पे महेंद्र भट्टजी थे, यहाँ पे विधायक थे, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी कि हमने जो है सड़कों को जनपद चमोली का जाल से इनको गांव को जोड़ दिया। लेकिन आपकी ताजा तस्वीरें हमने कल यहाँ से भेजी थी, जो सिरो गांव है, इन लोगों की केवल एक ही मांग है, चाहे सरकार 2022 की जो भी बने, चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, केवल इनकी एक ही मांग यहाँ पे है कि हमको सड़क दे। सड़क इनको ज्यादा भी नहीं चाहिए, केवल 2 किलोमीटर जो मेन रोड है, 2 किलोमीटर की दूरी जो है सड़क पर। यहाँ पर भी आम जनता अमूमन समझौता करती है, यहाँ भी समझौता कर रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन्हें ज्यादा सड़क नहीं चाहिए, 2 किलोमीटर तक की सड़क चाहिए। आखिर क्या वजह है कि 2 किलोमीटर, महज 2 किलोमीटर की सड़क यहाँ नहीं बन पा रही है? 2 किलोमीटर की सड़क बनेगी तो आम जनता खुश हो जाएगी, चेहरे खिल उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, यदि 2 किलोमीटर की सड़क इन लोगों को मिल जाती है, इन लोगों का जो जीवन यापन करने के लिए, इन लोगों को आप लगाइए कि एक सिलेंडर यदि किसी आदमी का खत्म हो जाता है उसको भरने के लिए जो है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इनको पैदल अपने कंधों पे ले जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, फाइलें कभी फाइलें जो है जिला अधिकारी के पास पहुंच जाती है तो कभी वो विधायक के पास रह जाती है, कभी वो सचिवालय वाले में अटक जाती है, और कभी जो है जो संबंधित विभाग, सबसे बड़ा रोड़ा काजोल जो है जनपद पूरे उत्तराखंड में जब सड़कें नहीं मिल पाती है गाँव को, वन विभाग सबसे बड़ा रोड़ा जो है सड़कों के जाल में जब सड़कें बनाई जाती है तो वन विभाग अपनी अड़ंगे लगा देता। हो सकता है कि गाँव वालों की जो उम्मीदें थी वन विभाग से वो नहीं हो पाई, लेकिन लगातार ये लोग चाहे जिला अधिकारी के साथ गए हों, चाहे आप जो संबंधित बात चाहे PWD हो या PMJSY हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, तमाम सालों में इन लोग गांव के लोगों ने जो है अपनी फाइलें चलाई, लेकिन वो फाइलें केवल ऑफिसों तक ही सीमित रह गई। और जो 2 किलोमीटर का रोड इन लोगों ने जो सपना देखा था कि हमारे यहाँ पे गाड़ी पहुंचेगी और हमारे बच्चे, सबसे बड़ी बात काजोल जो बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते, चाहे वो हाई स्कूल 5 हो, 5वीं से जो पास करता 6 7 8 9 10
उनको जो है 3-3, 4-4 किलोमीटर जो अलकापुरी यहाँ से पढ़ने जाना पड़ता है। और बरसात की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है बरसात के समय इन लोगों को होती है। हालांकि प्रशासन दावे तो खूब करता है कि हम जो सड़क देंगे। अभी हमने जो ग्राम प्रधान है यहाँ के विक्रम सिंह, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। तो ग्राम प्रधान कितनी बार आवाज उठा चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, सड़कों को लेकर, और क्या विधायक तक ये बात पहुंची है, और विधायक क्या गांव में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काजल, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी जो देश सेवा में अपना जो अधिकतर जीवन जो है देश की सेवा में व्यतीत किया। आप उन्हीं से जाने की किस तरह से उनके लोग जो है सड़क के लिए यहाँ पे तरसते हैं, सड़कों के लिए जिस तरह से जो जाल उन्होंने बिछाया, आप इनसे ही बात कर सकते हैं, इनसे ही पूछ सकते हैं काजल आप। बिल्कुल पुष्कर, इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जानकारी मिली है, जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि 70% ऐसे आबादी यहाँ रही है जिन्होंने सेना को बहुत समय दिया है, सेना में काम किया, रिटायर्ड हुए, लेकिन ऐसे गांव में भी अभी तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है। वाकई ये विडंबना है। बोलो जी, बोलिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन सिंह है जी। ग्राम सिरों जी। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करे, सरकार से भी रिक्वेस्ट करे कि हमको रोड चाहिए। हम कई बार डीएम साहब के पास चले गए, कई बार पीडब्ल्यू के ऑफिस में चले गए, सबने कहा कि फाइल तुम्हारी पास हो गई है। ये अभी कल ही पता चला, हमारे यहाँ महिलाएं जो डीएम साहब के पास 2-3 बार गए थे पिछले 2-4 महीने पहले, तो डीएम लेडीज हैं तो उन्होंने हमारे यहाँ की लेडीजों को बोला कि तुम्हारे यहाँ की रोड स्वीकृत हो गई है, आप क्यों आ रहे हैं मेरे ऑफिस में? जी जी कुंदन जी, ये बताइए कि आप उस दिन से 6 महीने हो गए हैं, कोई दोबारा मैसेज नहीं आया है जी। कुंदन जी, बताइए कि आपको इतने साल हो गए हैं, आपने दोनों सरकारों को देख लिया, किसने कितना काम किया, लेकिन आपके गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में जब 14 तारीख को मतदान हो रहा था उत्तराखंड में, तब आपके गांव के लोग क्या कह रहे थे? मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया या नहीं लिया? हमने सर यह जो है उत्तराखंड में भी आंदोलन के कराता था, हमारे यहाँ के भी 10-12 लड़के हैं, 2-3 लड़के हैं उत्तराखंड आंदोलन में भी जी। और हमने आंदोलन भी करा था जिस समय भूकंप आया था आज से 10-12 साल पहले, हमने उस समय भी चक्का जाम करा था, क्यों एक बच्चा मर गया था हमारे यहाँ का, तो हम हॉस्पिटल ले जाने में भी हम ये रास्ते में दम तोड़ दिया था। फिर बाद में हमारे यहाँ के आपदा आई, 2 बच्चों का ये ऐसे डेथ हो गए, वो ले जाने में हमको परेशानी आई। फिर पिछले साल भी एक आपदा में एक बच्चा मरा है, उसको ले जाने में भी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। एक 16 साल का बच्चा था, बीमार हुआ, उसको भी हम ये पीठ में उठा के ले जा रहे थे, उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। खाली हम मरा हुआ आदमी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो अब बोलो हमने किस सरकार से भरोसा करना है? चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार आए, हम तो उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन सरकार शायद गांव की तरफ नहीं देख पा रही है। कुंदन जी ठीक है, कुंदन जी आपके पास मैं आऊंगी। एक मिनट, मेरे सहयोगी भी पुष्कर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पुष्कर देखिए, विडंबना है क्योंकि जिस तरह से अभी कुंदन जी ने बताया कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई नौजवान हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि काफी समय तक उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है, तो ऐसे में कई बार रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, ये भी समस्या है। उनका कहना है कि उन्होंने आंदोलन भी किया, आंदोलन में एक जो शख्स है उसकी मौत भी हो गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों आंखें मूंदे प्रशासन बैठा हुआ है, क्यों नहीं देख पा रहा है कि यहाँ पर आम जनता की समस्या लगातार बनी हुई है, और वो भी उस गांव की जो लगातार देश की सेवा में तत्पर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काजोल आप सही कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने जो आंदोलन भी किया, डीएम से मिले, अधिकारियों से मिले, और आप जो है चाहे वर्तमान विधायक हो या उससे पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी हो, तमाम सारे लोगों ने इनको आश्वासन जरूर दिया है कि हम आपके गांव में सड़क लाएंगे। लेकिन काजोल सबसे बड़ी बात जो है उन लोगों की दिक्कत है जो लोग या महिलाएं वर्ग, यदि कोई महिला के स्वास्थ्य यहाँ से खराब हो जाता है, इनको 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और यदि कोई बच्चा रात को बीमार हो जाता है उसको लेकर भी तमाम सारे, क्योंकि शासन प्रशासन वादे तो बहुत करते हैं लेकिन जब हकी
देखिएगा न्यूज वर्ल्ड की टीम जब ऐसे मुद्दों को उठाती है उसके बाद कार्रवाई जरूरी। परसों हमने अन्ना गोली की जो खबर उठाई थी, पानी नहीं था यहाँ पे तो वहाँ पे प्रशासन गया है, और हमने जरूर यहाँ की सिरो गांव की खबर उठाई, प्रशासन ने जरूर संज्ञान इस पे लेना शुरू कर दिया है। हालांकि हमारे साथ एक ऐसी महिला भी जुड़ी हुई है जो लगातार जो है यहाँ पे अपने गांव जो सिरो गांव लगातार सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या थी। काजोल इनको लोगों को उनसे बात करिए जी। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, आप ही इनसे पूछिए कि किस तरह से ये लोग जो है अपना दिनचर्या जो काटते हैं और जिनको जब समस्या आती है तो किस तरह से देखते हैं। तो आप ही इनसे बात करिए, यहाँ पे हम आप इनसे मिलाते हैं, आप इन्हीं से बात करिए। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताइए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। हाँ हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैम, मेरा नाम लता तिवारी है। लता जी, सबसे पहले ये बताइए कि पूरा दिन कैसे बीतता है, क्योंकि सड़क नहीं है, पानी की समस्या भी है। मैम पूरा दिन तो ऐसे बीतता है कि हमारे गांव से रोड जो है 3-4 किलोमीटर दूर है, सिलेंडर हम पीठ में ले जाते हैं। अगर किसी के गांव में सब्जी सुब्जी हो गई या दूध दाद कोई अपना बिजनेस करना चाहता है वो पीठ में बो के ले जाना पड़ता है कोठियालसैंण तक, और कोई बीमार हो गया तो उसको डंडी करने में ले जाना पड़ता है। बुजुर्ग हैं उन जिनके घुटनों में दर्द हो रहा वो आ जा नहीं पाते हैं, समस्या तो बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने आंदोलन भी किया था मैंने सुना है, और मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि आप लोगों ने आंदोलन कई साल पहले भी किया और अब भी मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैम, हम लगातार आंदोलन कर रहे, कई बार डीएम साहब के पास चले गए, शासन प्रशासन सभी से हमने गुजारिश की पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। और हमने कई बार कहा कि हम चक्काजाम करेंगे, किया भी है हमने चक्काजाम, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और हम बहुत सारा गांव बहुत परेशान है, सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, बहुत परेशान है मैम। लता जी ये बताइए कि अब 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं क्योंकि 14 तारीख को मतदान हुआ उत्तराखंड में, क्या लग रहा है अगर सरकार, किस पर भरोसा जता रही हैं आप, क्या लगता है कौन आपकी समस्या की सुनवाई कर सकता है? मैम हमें सरकार से, जिसकी भी सरकार आए, हमें ये है कि हमारे गांव में रोड आनी चाहिए, वोट मांगने के लिए चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए कोई भी आए, पर आज तक यहाँ पे रोड नहीं आई। सबने यही दावे किए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ रोड लाएंगे, पर आज तक किसी ने भी हमारे गांव में रोड नहीं बनाए। अभी पुष्कर जी और बता हमारे गांव में, लता जी पुष्कर जी बता रहे थे कि आप लोगों की ज्यादा मांग नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर तक की आपको सड़क चाहिए जी, उससे समस्या कम होगी लता जी? जी 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 जी, हमारे गांव में रास्ता भी नहीं है, 4-5 साल पहले यहाँ पे आपदा आई थी और रास्ता बह गया है। हम लोगों के खेतों से, दूसरे गांव के वालों के खेतों से जा रहे हैं, वो लोग कभी हमें मना कर देते हैं, आने जाने नहीं देते हैं, ना यहाँ पे रास्ता है ना रोड है, तो मेन समस्याएं हैं यहाँ पे। जब चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर विधायक जी आए और दूसरे प्रत्याशी आए, क्या आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी थी, आश्वासन मिला कुछ? रखी थी मैम, हमने जरूर रखी थी, उन लोगों ने कहा हम जरूर बना देंगे, रोज यही आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हाँ हम जरूर बना देंगे, जरूर बना देंगे, पर कागजों में ही बन रही है, आज तक हकीकत में यहाँ पे कुछ नहीं है। और कोई समस्या इसके अलावा, सड़क मुख्य समस्या है? मैम समस्याएं तो बहुत हैं, बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है, गांव में नौकरी नहीं है तो क्या खाएं। चलिए ठीक है, समस्याएं तो कई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की आवाज हम आगे तक पहुंचाए और इसी वजह से हम लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं और इस खबर को दिखा रहे हैं कि एक गांव ऐसा भी है जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं। पुष्कर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर हम ग्राम प्रधान से बात कर पाए लेकिन ग्राम प्रधान से बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। पुष्कर देखिए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, एक ही समस्या है उनकी जो सड़क है, उसके अलावा तो और समस्या भी है क्योंकि सड़क नहीं है तो पढ़ने लिखने के जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में उन्हें भी कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है, ये जो खबर है वो विधायक जी देखें और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए क्योंकि कई सालों से मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल काजोल, कई सालों से यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि हमें सड़क चाहिए, सड़क के वालों को हमें कुछ नहीं चाहिए। काजोल हमारे साथ जो है ग्राम प्रधान इस समय मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से ग्राम प्रधान, क्योंकि जब गांव का विकास होता है तो सबसे पहले जो है ग्राम प्रधान का यहाँ पे सबसे सहयोग होता है। तो आप सीधे सीधे आप विक्रम सिंह जी जो हमारे साथ हैं इनसे आप बात कर लीजिए कि किस तरह से ये गाँव का विकास करते हैं और इसमें क्या कहना चाहेंगे ये लोग। ठीक है विक्रम जी, आवाज आ रही है मेरी? मैडम आ रही है, आवाज आ रही है। विक्रम जी सबसे पहले बताइए कि आपके गांव की समस्या क्या है और कितने परिवार ऐसे हैं जो इस मुख्य समस्या से जूझ रहे हैं अभी, और कितने लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि सड़क ना होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ पर। मैडम यहाँ पर अभी 60 परिवार है, इसमें से मैंने 40% लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, सड़क की वजह से यहाँ विस्थापित हो गए हैं यहाँ पर। क्या आपने विधायक जी के सामने बात रखी कि आपके गांव में सड़क नहीं पहुंच रही है, सड़क पहुंचाइए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की वजह से शायद सड़कें पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। अभी लता जी महिला है वहां की, वो मुझसे बता रही थी कि दूसरे खेतों से, दूसरे गाँव के जो खेत है वहां से निकलना पड़ता है, कई बार वो लोग मना कर देते हैं। यहाँ पर विधायक आए, कांग्रेस का विधायक आए, बीजेपी की विधायक आए, सबने देखा समस्याएं, सबने देखी, सबने आश्वासन दिया, गांव का आश्वासन दिया, हम यहाँ पे रास्ता लाइन बनाएंगे, रोड देंगे, केवल वो कागजों तक सीमित रह गए हैं। यहाँ पे अभी यहाँ की जनता इतनी परेशान है, यहाँ से जो कभी बीमार हो जाता है, प्रसवकालीन महिलाएं हो जाती है, रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कई बार हो चुका है ये, हमारे साथ घटना हो चुकी है यहाँ पे, कई बार हम यहाँ से ले जाते हुए रास्ते में कंधे में ले जाते हैं, कई एक बालक पिछले साल 16 साल का बालक आपदा में लग गए थे रास्ते में, उसने दम तोड़ लिया तो लिया, तो मैं अगर गाड़ी यहाँ पर होती, रोड होती तो जल्दी पहुंचते, पैदल ले जाने में कम से कम 1.5-2 घंटा हमको लग जाता है मेन रोड पर पहुंचने पे। अब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं, 14 तारीख को मतदान हो चुका है, क्या सोचा है आपने, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? हमारी उम्मीद है जिसकी भी सरकार बनेगी हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे, बहुत हमारे साथ सरकार शासन ने प्रशासन बहुत छलावा कर दिया है, बहुत विश्वासघात किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, इस गांव की ग्राम पंचायत के लिए पूरे दोनों सरकारों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब यही आगे हमारा यही कदम है कि हम आगे अल्टीमेटम दे के मुख्य मार्ग जो हमारा है उसको हम जाम कर देंगे, आमरण अनशन में बैठ जाएंगे, जब तक हमारे गाँव में रोड कटिंग का काम चालू होता है हम शासन प्रशासन का मेन रोड जाम कर देंगे, यही हमारा आगे। ठीक है विक्रम जी, आपका बहुत शुक्रिया, पुष्कर आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तरह की समस्याओं को उजागर करने के लिए। देखिए उत्तराखंड में 14 तारीख को मतदान हो चुका है और 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही थी, उनकी जो हकीकत है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चमोली का एक गांव जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं, सड़क नहीं पहुंचने की वजह से लोग बीच में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर अचानक तबीयत बिगड़ जाती है तो अस्पताल ले जाने में भी लोग परेशानियों का सामना करते हैं। तो ये समस्याएं हैं जो लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया उजागर कर रहा है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें सड़क चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर देंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, हमें चाहिए कि हमारे गांव तक सड़क पहुंचे। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक गांव सड़कों से कोसों दूर नजर आता है और लगातार ग्रामीण कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं, कई बार आंदोलन भी हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।